हेलो एवरीवन वेलकम टू द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ अव न्यू सी एम CMA इंटर लॉ ऑफकोर्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सिलेबस आपके सिलेबस का ओवरव्यू आपको ऑलरेडी पता होगा कि भाई दो ग्रुप्स हैं दो पहाड़ जैसे ग्रुप्स हैं जिनको हमें क्लियर करना है और ग्रुप वन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हमारे चार पेपर आते हैं पेपर फाइव सिक्स सेवन एट और सबसे पहला पेपर दैट इज पेपर फाइव बिजनेस लॉज एंड एथिक्स एग्जाम के समय साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि अगर ये पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आगे आने वाले जितने भी पेपर्स हैं ना वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाते हैं भले ही आपकी बहुत सॉलिड बहुत तगड़ी प्रिपरेशन हो राइट right? तो मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो पहला पेपर होना इसकी प्रिपरेशन आपकी इतनी बेहतरीन हो कि वर्स्ट से वर्स्ट सिनारियों में पेपर ऐसा आया वैसा आया ले दिया तो भी आप एटलीस्ट इस सिचुएशन में हो कि आप कह सको नहीं मैंने अस्सी नब्बे मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट किया है और सिर्फ अटैम्प्ट नहीं किया है उसमें से मुझे पूरा यकीन है कि सिक्सटी प्लस तो मेरे आ ही जाएंगे तो 60 प्लस हमारा लोएस्ट टारगेट है जो इस बैच में हम सेट कर रहे हैं लोएस्ट टारगेट मतलब बुरी से बुरी हालत में भी 60 तो आ जाएगा और अच्छी से अच्छी हालत लॉ लगता नहीं है कि स्कोरिंग है बट देन यू कैन अफकोर्स स्कोर मोर देन 80 मार्क्स एज वेल ठीक है मैं ऐसा नहीं बोल रही कि 95 और 99 आ जाएंगे नहीं भाई इतनी अच्छी हिस्ट्री नहीं रही है क्योंकि हर एग्ज़ामिनर थोड़ा सा अलग होता है और बच्चों की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन आपका हर एक पर्सपेक्टिव मैं आज खोल दूंगी और आपके हर एक डाउट्स डिस्पेल हो जाने वाले हैं धीरे धीरे बस मुझे सुनते जाओ क्योंकि आज का पहला क्लास है तो डायरेक्टली हम ऐसे पढ़ाई पे जंप नहीं करने वाले हैं कुछ बातचीत बहुत ज़रूरी है वो आपके मेंटल स्टेट ऑफ माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे आपको आगे ले जाने के लिए बताने के लिए बहुत जरूरी है बिकॉज आई टेल यू दीज थिंग्स आई एल नॉट बी एबल टू टेक यू फॉरवर्ड राइट तो मैम इस बिजनेस लॉज एंड एथिक्स का क्या करना है कैसे करना है देखो अम्म पहले तो हम एक सिलेबस ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हम एक्चुअली समझ पाए कि हम किस चीज में कूदने वाले हैं हम क्या एक्चुअली करने वाले हैं तो बिजनेस लॉज एंड एथिक्स का जो हमारा सब्जेक्ट है इट्स डिवाइडेड इनटू फोर सेक्शंस ओके सेक्शन ए इज कमर्शियल लॉज व्हिच कैरीज थर्टी परसेंट वेटेज तो मतलब सौ मार्क्स में से तीस नंबर हमारे किससे आएंगे कमर्शियल लॉज से आएंगे और कमर्शियल लॉज में क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सोगाबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एल एल पी बहुत कुछ आपने पढ़ा हुआ है, है ना सो दिसन टू अ ग्रेट एक्सटेंट दिट इज समिंग विच इज अटेशन ऑफ वोट ऑलरेडी डेट एट द फाउंडेशन लेवल ठीक है एक चीज मैंने छोड़ दी है इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम Uh, इसमें सिर्फ इतना नहीं है एक्ट कैसे पास होती है लॉ का मतलब क्या होता है नहीं इट हैज़ अ लॉट ऑफ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे आर्टिकल्स बहुत कुछ हमें पढ़ने हैं यहाँ पे तो ये अपने आप में एक नया टॉपिक है एब्सोल्यूटली न्यू एब्सोल्यूटली फ्रेश एंड अच्छा इंक्लूजन है जो किया गया है ऑल लिमिटेड ठीक है तो बहुत वाइड नहीं है बहुत वास्ट नहीं है कुछ बिट्स एंड पार्ट्स हैं जिसको कंपाइल करके हमें पढ़ना है ओके okay. नेक्स्ट पोर्शन इज आर सेक्शन बी इंडस्ट्रियल लॉज इंडस्ट्रियल लॉज छोटे छोटे होते हैं बहुत बड़े बड़े नहीं हैं हमारे ये एक्ट्स जो हमें पढ़नी है फैक्ट्रीज एक्ट पेमेंट ऑफ ग्रैचुटी एक्ट ई पी एफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन ई एस आई एक्ट एंड कोड ऑन वेजेस ऑफकोर्स यू डोंट हैव टू रीड ऑल दी एंटायर एक्ट उसका लिमिटेड कवरेज ही है ठीक है इंडस्ट्रियल लॉज ये सिर्फ और सिर्फ फिफ्टीन परसेंट वेटेज रखता है बट बड़ ये बड़ी जल्दी से सरक भी जाती हैं ठीक है ठेके? सेक्शन सी विच हेज वेटेज वेटेजी परसेंट चालीस नंबर का आपका कॉर्पोरेट लॉ मतलब कंपनीज कंपनीज एक्ट एक्ट आने वाला है में क्या पढ़ना है मैम सेक्शन वन से वन ट्वेंटी टू तक प्लस सेक्शन वन थर्टी फोर है सेक्शन वन सेवेंटी सेवन है और हमारा कुछ डायरेक्टर्स से रिलेटेड प्रोविजन है हमारा कुछ ऑपरेशनल फाइनेंशियल कंट्रोल आपको पढ़ना है के के बारे में पढ़ना है एक अलग से पढ़ना है राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स के बारे में तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं सेक्शन डी पंद्रह चुटकियों का खेल है क्योंकि बिजनेस एथिक्स में कंटेंट बहुत कम है वेटेज उस हिसाब से बहुत ज्यादा है पंद्रह नंबर यार कम थोड़ी ना होता है है ना तो अच्छी खासी वेटेज हमको इंस्टीट्यूट ने दी है अब ये हमें पढ़ना है अब होता क्या है ना बच्चों के मन में ऐसा बैठ जाता है कि मान लेती हूं टॉपर रहा हो हमेशा नाइन्टी फोर परसेंट नाइनटी सिक्स परसेंट इस तरीके से आए और दिन रात क्या करता है पढ़ता रहता है और दूसरा है इसके हाव भाव चाल चलन देख के समझ में आ रहा है कि भाई इसको खेलकूद में शायद ज्यादा इंटरेस्ट है और इसीलिए फेलियर इज वॉट ही हैज विटनेस्ड इन हिज लाइफ तो ये दो तरीके के बच्चे होते हैं जब स्कूल से निकलते हैं फाउंडेशन का एक पहला पड़ा आप क्रॉस करके यहाँ पे आ चुके हो तो थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा और आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि मैम आप सोच भी कैसे सकती हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे आप बना के हमारे सी के एग्जाम्पल्स बताएंगी तो बेटा इतना तो आपको पता है कि बच्चों का खेल नहीं है सीएमए करना कोई बच्चों का खेल नहीं है और इसीलिए बच्चों जैसी पढ़ाई भी नहीं होती है सो इफ यू हैव दिस कंसेप्शन कि भाई मैं तो इस कैटेगरी में फॉल करता हूँ या मैं तो एक बीच की कैटेगरी में फॉल करता हूँ जिसमें हमारे नाइन्टी परसेंट स्टूडेंट शायद फॉल कर रहे हो एवरेज स्टूडेंट आई एम एन एवरेज स्टूडेंट मैं शायद कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं था पढ़ाई में इसलिए मैंने साइंस नहीं ली कॉमर्स ली मैं कुछ भी वो नहीं कर रही हूँ एक टिपिकल माइंडसेट बता रही हूं ठीक है टिपिकल इट इज नॉट द माइंड सेट विच आई बिलोंग टू ठीक है मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो एक एक्सेप्शन थी ठीक है मतलब मेरे को तो सब बोल रहे थे कि क्यों साइंस नहीं ले रहे हो फिर भी मैंने कॉमर्स चूज किया था सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स की एक चॉइस होती है कि नहीं भाई मुझे तो कॉमर्स लेना है पर फिर भी हमारे पास इन इस समय जो कोर्स कर रहे हैं बच्चे उसमें नाइन्टी परसेंट स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट हैं एवरेज स्टूडेंट मतलब बहुत तेज़ नहीं है शायद ट्वेल्थ में सेवेंटी परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट इस तरीके का कुछ आया हो 80% परसेंट आया हो 85 फाइव आया हो नाइन्टी फाइव भी आया हो सकता है तो आप यहाँ हो अब आपको लगता है क्या क्या मैं ये क्लियर कर पाऊंगा सेल्फ डाउट इज वॉट यू हैव बीन एंड यू विल फेस अभी तो बस शुरुआत हुई है है ना जिसका एक बार में फाउंडेशन क्लियर हो गया होगा तो अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस में होगा जिसका एक दो अटेम्प्ट लग गया है तो उसको लग रहा होगा यार ठीक तो किया है ना लाइफ में तो बिल्कुल ठीक किया है बच्चों सेल्फ डाउट इज द फर्स्ट थिंग जो आपको निकाल देना है क्यों निकाल देना है मैम क्योंकि बेटा अप्रोच इज वेरी डिफरेंट गए वो स्कूल के जमाने जब आपकी चीजें होती थी आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होती थी और बहुत ज्यादा क्या होती थी लर्निंग पार्ट वॉज इन्वॉल्व इफ आई टॉक अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज बिजनेस स्टडीज की बुक रट लो लिखाओ एंड यूल गेट बस उतना ही है उससे ज्यादा कुछ नहीं था जो हमें पढ़ना था या कुछ हमें समझने की जरूरत थी ठीक है आपको बड़े अच्छे नंबर मिल जाएंगे तो यहाँ पे वो बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं और ये बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं हु हैव वेरी शार्प माइंड बट ठीक है वो चैनलाइज नहीं हुआ है सही ढंग से वो गाइडेंस नहीं मिली है सही ढंग से तो कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं तो मैम करना क्या है सीएमए इंटर लॉ का सिलेबस मैं आपको बता दूं इज इमेंस इज ह्यूज बहुत 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 बड़ा सिलेबस है ठीक है हाँ छोटा सिलेबस नहीं है एकदम भी नहीं है ठीक है तो लाइटली नहीं लेना है और ये मैं डे वन पे इतना ज़्यादा क्यों बोल रही हूँ क्योंकि अगर डे वन पे ही मैं बोलूंगी अरे यार बड़ा आसान है हो जाएगा तो आप लोग क्या करोगे आप लोग इसको बहुत लाइटली लोगे और अगर अभी से, से लाइटली लिया तो जब आएगा ना प्रेशर का टाइम तब आप हैविलीली इसको ले भी नहीं पाओगे सीरियसली ले भी नहीं पाओगे सोचोगे अरे यार समय निकल गया अरे यार ये भी नहीं किया अरे यार अब तो ये नहीं हो रहा एकदम पैनिक मोड में आ जाओगे तो आज जब पहले दिन आप इस सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं यू आर स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू मस्ट हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन जिसकी लाइफ में है बहुत अच्छी बात है जिसकी लाइफ में नहीं है वो आज से मुझसे ये वादा करेगा दैट यू आर गोइंग टू डेवलप दिस डिसिप्लिन इन योर लाइफ एंड दैट इज कंसिस्टेंसी मैम कंसिस्टेंसी इतनी अहमियत आप दे रहे हो कंसिस्टेंसी को यस yes. लॉ एंड कंसिस्टेंसी गो हैंड इन हैंड रोज पढ़ेगा तभी बढ़ेगा वो कोर्स हो या आप हो ठीक है अगर एक दिन भी आपने छोड़ा तो आप एक दिन पीछे आ गए फिर आपको दो दिन का एफर्ट डालना पड़ेगा और फिर आप आगे जाओगे ये मैं लिख के दे रही हूं अगर आपने लॉ को एक दिन भी छोड़ा तो आप उतने दिन पीछे आ गए आप इतना समझ लेना फिर यह मत आके बोलना कि मैम हमने तो पढ़ा था जब पढ़ा था तब तो हमें समझ में आया था अब हमें समझ नहीं आ रहा है क्या याद करना है क्या लिखना है नहीं हर दिन का जो टारगेट है हर दिन की जो चीजें हैं उसको आपको साथ में लेते हुए चलना है और जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जिस तरीके से मैं आपको गाइड करूंगी उस तरीके से आपको लॉ को कैरी करना है छोड़ना नहीं है एवरी डे यू हैव टू डू दैट राइट हाँ नहीं तो आपको लगेगा कि आप वहीं के वहीं हो फाइन आज पहला दिन है हमारे क्लास का सो आई एम नॉट गोइंग टू ओपन एनी बुक टूडे आई विल टीच यू सर्टन पार्ट्स बट वो हमारे बिना बुक के हो जाएंगे मैंने यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का क्या इंट्रोडक्शन का यहाँ पे चार्ट खोल के बैठी हूं बट उसके पहले मैं आपको बता दूँ, अबाउट योर बुक्स ठीक है तो आपको भाई पांच मतलब यू आर गोइंग टू गेट द सेट ऑफ फाइव बुक्स ऐसे कैसे लिख रही हूं मैं सेट ऑफ फाइव बुक्स ठीक है हाँ कुछ अलग ही मीनिंग निकल जाएगा और हम तो लॉ पढ़ रहे हैं यार इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट तो सेट ऑफ फाइव बुक्स आपको लॉ में मिलेगा उसमें क्या है हमारी दो डिटेल्ड बुक है दो डिटेल्ड बुक मतलब कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लॉज की वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू जो हमारी है वो कंपनी लॉ और एथिक्स की है उसके बाद हमारे दो क्वेश्चन बैंक आएंगे रिस्पेक्टिवली एंड दे आफ्टर वन यू हैव समरी बुक उसको हम चार्ट बुक कहते हैं जो आपके लास्ट मिनट रिविजन के लिए बहुत हेल्प करेगी तो मतलब मैम क्या हमें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है द आंसर इज अ बिग नो आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है इज अ बिग यस बट 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 यू हैव टू मेंटेन टू कॉपीज मेरे साथ अगर आप पढ़ रहे हो यू आर गोइंग टू फॉलो वॉट आई टेल यू राइट ट्रस्ट मी ट्रस्ट द प्रोसेस ट्रस्ट द एक्सपीरियंस एंड प्लीज़ फॉलो एज सजेस्टेड ठीक है अफकोर्स आपका अपना कुछ स्टैंड uh, हो सकता है बट जितना हो सके जितनी हद तक पॉसिबल हो आप अफकोर्स में इसे डिस्कस कर सकते हो अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है तो पर प्लीज़ कोशिश करिए कि इसको आप फॉलो करें दो कॉपी आपको मेंटेन करनी है दो कॉपी कैसी मैम एक होगी आपकी क्लास नोट्स और एक होगी आपकी प्रैक्टिस बुक प्रैक्टिस बुक ये प्रैक्टिस बुक आप कैसी भी कॉपी ले लेना रूल्ड uh, कॉपी जैसे नॉर्मल आती है बिकॉज आपको यहाँ पे लिखना है जो हमारी क्लास नोट्स की कॉपी होगी उसको प्रेफर करना कि जैसे ये मैं यूज करती हूँ ना ब्लैंक पेपर्स आई डोंट यूज द रूल्ड पेपर्स तो आप ऐसा ही यूज करो क्यों ऐसा ही यूज करो बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी मेक अ लॉट ऑफ चार्ट्स तो आपको उसमें हेल्प करेगा ठीक है तो ये दो कॉपी आपकी डे वन रेडी होनी चाहिए यू शुड बी रेडी विदलाइटर एंड यू शुड बी रेडी विद टू पेन दो पेन क्यों मैम क्योंकि हम जब भी कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं आई से दैक्शन सेक्शन नंबर एंड हेडिंग मतलब वो सेक्शन किससे रिलेट करता है तो आपने चैप्टर का नाम यहाँ पे लिख दिया लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कोई भी चैप्टर है फैक्ट्रीज एक्ट है ठीक है अब फैक्ट्रीज एक्ट के बाद यहाँ पे आप कोई टॉपिक लिखोगे आप कोई भी डेफिनेशन लिख रहे हो आप कुछ भी लिख रहे हो तो यहाँ पे आपने वो टॉपिक लिखा है एक पेन से और बाकी अंदर का कंटेंट आप ब्लू पेन से लिख सकते हो सो टेक अ रेड पेन और टेक अ ब्लैक पेन जो भी है एक हेडिंग के लिए और एक कंटेंट के लिए ठीक है तो इतनी चीज़ें आपके पास डे वन क्लास में रेडी होनी चाहिए आज अच्छा दो तो कल से रेडी कर लेना ठीक है अब <coughs> मैम लॉ हम जब पढ़ते हैं तो हमारा कैसा अप्रोच होना चाहिए क्या आप लॉ में हमें सारी चीज़ें लिखाएंगी हमें याद क्या करना होगा सबसे पहला सवाल होता है बच्चों का सबसे मुश्किल सवाल होता है मैम ये समझ में तो आया बट इसमें से याद क्या करना है और दूसरी बात लिखना कैसे है तो मैं आपको बता दूँ बच्चों कि हमारे जो लॉ लर्निंग के होते हैं ना लॉ लर्निंग के हमेशा कुछ स्टेप्स होते हैं लॉ लर्निंग के कुछ स्टेप्स होते हैं द स्टेप वन इज अंडरस्टैंडिंग क्या लॉ को बिना समझे आपको लगता है कि आप लॉ क्रैक कर सकते हो द आंसर इज नो यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न द थिंग्स दैट यू डोंट अंडरस्टैंड आपको मैं एक डिफिकल्ट सा सेक्शन दूंगी ठीक है एक बहुत डिफिकल्ट सा सेक्शन एक बार कभी हम ये एक्सरसाइज करेंगे एक बहुत डिफिकल्ट सा सेक्शन दूंगी जहां पर आपको चीजें पढ़ के हंड्रेड परसेंट नहीं समझ में आएंगी ऑन योर रोल ठीक है अगर आपको वो नहीं समझ पाएंगी आप उसको देखना वो ही चार पांच लाइंस आपको उसको याद करने में कितना टाइम लगता है एंड आई गिव यू एन इजी सेक्शन विच आई हैव एक्सप्लेन्ड मैंने अच्छे से आपको समझा दिया अब आपको मैं बोल रही हूँ कि अब आप इसको याद करो आप दोनों के याद करने के टाइम देखना आपको समझना प्लस याद करना कम टाइम में हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे सिर्फ याद करना आपका ज़्यादा समय लगाएगा सो so, अगर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि नहीं यार लॉ क्या है रटना ही अल्टीमेटली ठीक है रट लेंगे और पास हो जाएंगे तो आप जिंदगी की अपनी सबसे बड़ी भूल कर रहे हो क्यों क्योंकि पहली बात आप समझ के याद करोगे आपको बेहतर याद होगा ज़्यादा समय तक रिटेन रहेगा जो सिर्फ याद करोगे वो भूल जाओगे समझ के याद करोगे अगर याद नहीं भी रहा तो भी लिख के आएंगे कुछ नंबर जरूर मिलेंगे दूसरी बात आगे चल के प्रोफेशनल बनना है कि वही गुड़गोवर बन के रहना है तो अगर वही रहना है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है फिर कर भी क्यों रहे हो कोर्स है ना कोर्स में सब चीजें डाली गई हैं तो आपके भले के लिए डाली गई हैं आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं भर भर के अगर आप ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लो तो ठीक है तो अभी देखेंगे हम अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर करेंगे कि कहाँ क्या कर सकते हैं हम है ना तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है मैम समझेंगे कैसे हंड्रेड परसेंट यू लीव इट ऑन मी हंड्रेड परसेंट बस मुझे क्या चाहिए मुझे आँख कार नाक मुंह खुले हुए थोड़े से सिंसियर बच्चे चाहिए है ना तो सिंसियरिटी मेरे कहने पे आपके अंदर आ जाएगी ऐसा मैं मान ही नहीं सकती आपने अपने जीवन में एक बहुत कठिन राह चुनी है यह आपको पता होना चाहिए यू हैव एक्चुअली सिलेक्टेड समथिंग विच रिक्वायर्स सेल्फ डिसिप्लिन है ना तो खुद को नियंत्रण में रखना खुद को मोटिवेटेड रखना आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है हम लोग टॉपअप करने के लिए हैं ऊपर से रिचार्ज करने के लिए हैं जब थोड़ा सा घटेगा तो थोड़ा सा टॉपअप कर देंगे पर वो वैलिडिटी आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी है ना तो खुद को हमेशा पुश करते रहना है एंड अटेंटिव रहोगे आप क्लास में हंड्रेड परसेंट आप क्लासेस अटेंड करेंगे सो आई गिव यू एन एश्योरेंस दैट पूरी क्लैरिटी मिलेगी हंड्रेड परसेंट कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगी दिस इज गोइंग टू बी एग्जाम ओरिएंटेड तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं आपको एक टॉपिक लूं और दस कहानियां सुनाऊं और हमारा बैच कहीं पाँच सौ घंटे का चला जाए ठीक है तो ऐसा हम नहीं करने वाले एग्जाम ओरिएंटेड रखेंगे पर हर जगह विद एग्जाम्पल्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू और जिसने पहले मेरे साथ पढ़ाई की है उसको पता है कि वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा आदत है एग्जाम्पल्स लेने की तो आपको समझ में पक्का आएगा दूसरी चीज आती है हमारी लर्निंग पार्ट की क्या मैम लॉ में लर्न करना जरूरी होता है yes. लॉ में याद करना बिल्कुल जरूरी होता है मैम क्या लॉ में हमें वही याद करना होता है जो बुक में लिखा है देखो बुक में अगर एक पूरा का पूरा पैराग्राफ है ना बच्चों तो इसमें से कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स कीवर्ड्स ये कीवर्ड्स अगर आपके एग्जामिनेशन के आंसर में नहीं हैं तो आपको नंबर नहीं मिलते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने चीज सही लिखी है ठीक है क्योंकि लॉ में हर एक टर्म का मतलब कुछ अलग बन जाता है राइट सो व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द प्रोविजन दैट यू हैव रेड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन कीवर्ड्स को एज इट इज रखो बाकी आप अपनी लैंग्वेज में आंसर को फ्रेम कर सकते हो हैविंग सेड दैट कीवर्ड्स आर आल्सो एडवाइजेबल भला ही आपका मतलब आपके वर्ड्स में भी वही है और कीवर्ड्स को यूज करके भी वही है फिर भी हम बोलते हैं कि कीवर्ड्स के बिना आप लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि ग्राउंड और प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि यार कॉपी मैं नहीं चेक कर रही हूँ, ठीक है थीके? और जितने आ, मैं बोलूं कि जिन जिन ने लॉ की अच्छी स्टडी की है अच्छी नॉलेज है शायद वो भी नहीं चेक कर रहे तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो एग्जामिनर वहां पे बैठ के लॉ की आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको आपसे भी कम नॉलेज हो यह हार्श रियालिटी है पर हो सकता है ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि भाई उस एग्जामिनर को इतनी सारी चीजें चेक करनी थी उसने देखा कि आपने सजेस्टेड से तो मिलता जुलता कुछ नहीं लिखा है उसने बहुत ज्यादा पढ़ा ही नहीं और आपको नंबर नहीं मिले अब आपके पास दो रास्ते हैं पहला आप इसके अगेंस्ट आवाज उठा सकते हो लड़ सकते हो नहीं मेरे साथ तो गलत हुआ है मैंने तो सही लिखा है जस्ट बिकॉज मैंने बुक की लैंग्वेज नहीं लिखी आप कैसे मुझे नंबर नहीं देंगे है ना तो एक रास्ता ये होता है और दूसरा ये रास्ता होता है कि आप ये सच को एक्सेप्ट करो समझो और उस हिसाब से प्रिपरेशन करो तो भाई झटका खाने के बाद ठोकर खाने के बाद हम क्यों ये इस बात को रियलाइज करेंगे हम आज ही इस बात को समझ गए हैं पर क्योंकि इंटरलॉक का सिलेबस इतना ह्यूज है हम हर एक चीज तो याद नहीं कर सकते ना और मैम आपने ग्रुप टू का तो उधर लिखा ही नहीं है ग्रुप वन में चार चार पेपर है भाई कुछ तो रहम करो हमारे ऊपर तो रहम करते हुए आइडेंटिफाई करते हुए हम लोग चलेंगे कि क्या याद करना है ठीक है मैं आपको सिखाऊंगी कि आप कैसे खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो और क्लास में तो भाई हम हाईलाइट करते हुए चीजों को कुछ कुछ लिखते हुए चलेंगे हंड्रेड परसेंट मैं आपको डिक्टेट करा के नोट्स नहीं लिखाने वाली हूं ये मैं आज ही बता दू आपके रिविजन के लिए कुछ आपको रिविजनरी नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं नॉट फॉर ऑल बट किए जा रहे हैं ठीक है बाकी हर चैप्टर में आई गाइड यू कि कैसे रिवाइज करना है क्या करना है बहुत सारी चीजें लिखवाऊंगी भी पर हंड्रेड परसेंट डिक्टेट करा के आपके नोट्स में नहीं बनवाने वाली हूँ उसका सिंपल रीजन ये है आप प्रोफेशनल बनने वाले हो जो आपको इस तरीके से स्पून फीडिंग करे वो कहीं ना कहीं आपका दुश्मन बन जाता है और मैं आपकी दुश्मन नहीं बनना चाहती हूँ ठीक है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ग्रो करें डेवलप करें ऐसे ऐसे जब प्रोफेशनल बन जाए उसके बाद भी ऐसा ना हो कि यार आप तो इंडिपेंडेंट हुए ही नहीं आप सोचो उस माँ बाप के बारे में उन पेरेंट्स के बारे में भाई जिन्होंने अपने बच्चों को बाहर नहीं निकाला जिन्होंने अपने बच्चों को कुछ करने नहीं आ रहा नहीं नहीं बेटा तू कैसे यह काम करेगा उनकी बेटी है उसको कभी चाय भी बनाने नहीं दिया कि गैस के पास जाएगी तो जल जाएगी तो क्या उसको खाना बनाना आएगा नहीं आएगा तो हमारे तो फर्ज ये है कि हम आपको इस चीज में कुदा दें है ना आपको गाइड करें आपका साथ दे आप गिरो तो आपको संभाले पर ये कदम आपका है ये सफर आपका है है ना तो मैम लर्निंग हमें करनी पड़ेगी ये yeah. अंडरस्टैंडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हंड्रेड परसेंट मेरी है लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट लेते हैं फिफ्टी परसेंट आपकी फिफ्टी परसेंट मेरी ठीक है स्टेप थ्री की अगर हम बात करें तो रिवाइज करना है ये मैंने आपको पहले भी बताया एवरी डे कुछ कुछ होगा वो गाइडेंस मैं आपको बाद में देती रहूंगी उसके बाद आती है हमारी राइटिंग प्रैक्टिस राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हमने एक प्रैक्टिस बुक बनवाई है उसमें एवरी डे और एवरी ऑल्टरनेट डे आपको एटलीस्ट दो दो क्वेश्चन उसमें लिखने होंगे एवरी डे कर रहे हो तो एक क्वेश्चन भी लिखोगे तो चलेगा उसके बाद हमारी चीज आती है डे बिफोर एग्जाम्स तो एग्जाम के पहले आप किस तरीके से अपने आप को ढालते हो रिवाइज करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड द लास्ट स्टेप इज द डे बस इसके बाद ना हमारा एफर्ट खत्म हो जाता है उसके बाद रिजल्ट तो वही आएगा जो हमने किया है है ना तो रिजल्ट पे स्ट्रेस नहीं लेना है स्ट्रेस यहां लेना है एंशियस यहां होना चाहिए यार हमारे एफर्ट्स कम हो जा रहे हैं रिजल्ट पे और पता नहीं क्या होगा हम गलत जगह जाके स्ट्रेस लेते हैं ठीक है तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज आर द स्टेप्स क्या आपके पास होना चाहिए कैसे हम शुरुआत करेंगे भाई आज तो पहला क्लास है तो बहुत कुछ पहले हमें समझना है और जानना है कि वॉट इज लॉ ऑल मैं आपको ना इतना डिटेल में अभी वॉट इज लॉ नहीं समझाने वाली हूं वाई बिकॉज बिकॉज हम आज शुरुआत करने वाले हैं सेक्शन सी दिस पर्टिकुलर पोर्शन बिकॉज सबसे ज्यादा कवरेज फोर्टी परसेंट ये कॉर्पोरेट लॉज का ही है एंड जब हमारा बैच स्टार्ट होता है ना तो बच्चों का जो जोश होता है वो यहाँ होता है अरे यार ये तो फोड़ देंगे अब ये नया नया शुरू हुआ है एक एक चीज हम तो ऐसे ही करेंगे वैसे ही करेंगे तो अगर उस हाई जोश में मैं आपको ये पढ़ा दूंगी जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो यार ये तो गलत बात हो जाएगी ना तो अभी जब क्या कहते हैं लोहा गरम है ना तो हथौड़ा मारने के लिए दिस इज द बेस्ट थिंग बिकॉज फोर्टी परसेंट का आपका मार्क्स कवर हो जाएगा नई चीज़ें हैं तो नई चीज़ें इनटेक करते हैं और बिकॉज मैं आपको कॉरपोरेट लॉस पिक कर रही हूं मैं ये अलग से पहले ये चैप्टर फिर ये ऐसा नहीं करना चाहती हूँ सो आई एम डूइंग इज आई एम स्टार्टिंग विद कंपनीज एक्ट टू डे दैट इज कॉरपोरेट लॉस यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम जो चैप्टर है इसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी जैसा मैंने आपको पहले भी कहा बट ये हम बाद में करेंगे सो राइट नाउ वेन वी आर स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट लॉ जो बेसिक्स आपको नीडेड है टू प्रोसीड फॉरवर्ड दैट आई एम गोइंग टू टेल यू एंड वी विल बिगिन फाइन वेन यू कम टू दिस देन यू विल हैव इंट्रिकेट डिटेल्स अबाउट लॉ एंड लीगल सिस्टम हाउ इट वर्स फाइन चलो तो भाई शुरुआत करते हैं लॉ क्या है ये लॉ वॉट इज लॉ सबको पता है है ना सब लोग मुझे बता सकते हैं मैम सेट ऑफ रूल्स है सेट ऑफ रेगुलेशन है एक बात और बिकॉज हम वर्चुअली कनेक्ट हो रहे हैं आप मेरे सामने तो हो नहीं तो मुझे ऐसे दिखाई तो दे नहीं रहा है कि पता नहीं क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो सो तो नहीं गए कहीं बीच में है ना तो नींद से जगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ना आपको मैंने ये दे दी है और दूसरी बात रिस्पोंड करने की भी जिम्मेदारी आपकी मैम well, हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप रिस्पॉन्ड ऐसे करोगे मैंने पूछा व्हाट इज लॉ मैम रूल्स होते हैं रेगुलेशन होते हैं आप बोलो ओके okay. आज नहीं क्लास के एंड तक एवरी टाइम आई एम आस्किंग समथिंग आप रिस्पोंड जरूर करेंगे जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कुछ भी डिस्कस करें आप रिस्पोंड जरूर करोगे ठीक है ये मेरे लिए नहीं है ये आपके लिए बोलोगे बोलोगे मतलब बोलोगे इट इज एडवाइजेबल कि जब भी आप कभी क्लास करो ना तो, तो, तो प्रेफरेबली आप एक क्लोज रूम में बैठ के करो क्लास ठीक है जहां पे डिस्टरबेंसेस नहीं हो ठीक है या को, कोई भी कॉर्नर में जाके कहीं भी जाके ऐसे पढ़ाई करो ठीक है अरे पेरेंट्स को पता है यार पढ़ाई कर रहे हो है ना तो ऐसे पढ़ाई करो कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो एंड यू कैन एक्चुअली इंटरैक्ट वी कैन इंटरैक्ट वर्चुअली एचुअली ऑल्सो तो भाई लॉ तो क्या होता है रूल्स होते हैं रेगुलेशन होते हैं क्यों ये रूल्स और रेगुलशन हमारे ऊपर बनाए जाते हैं और हम क्यों माने भाई हम अपने घर में अपने पियो की नहीं मानते हैं? हम क्यों माने किसी की भी आपने हमारे लिए नियम कानून बना दिए मोदी जी उठ के आए और उन्होंने डिमोनेटाइजेशन कर दिया तो कभी जीएसटी ला दिया तो कभी ये नोटबंदी कर दी कभी ये कर दिया कभी वो कर दिया सब हम मान हमें मानना पड़ रहा है क्यों मानना पड़ रहा है क्यों मानना पड़ रहा है क्योंकि क्यों हम ही ने उनको ये हक दिया है हम ही ने उनको ये पावर दी है ऐसा करने के लिए ऑब्वियसली 140 करोड़ जनता अगर है इंडिया में इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन राइट अभी जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो वहां पे हम रिपब्लिक डेमोक्रेटिक इन सब टर्म्स की बात करेंगे हाउ इट गोज बट फिलहाल यू ऑल नो कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है हर किसी के पास हक है, है ना एंड इट इज बाय द पीपल फॉर द पीपल राइट तो हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोगों ने ही उनको पावर दी है कैसे पावर दी है भाई पूरे इंडिया को छोटे छोटे रीजन पर डिवाइड कर दिया है उस रीजन में एक रिप्रेजेंटेटिव हम ही इलेक्ट करते हैं हम दो बार इलेक्शन होता है हमारा एक हमारा लोकसभा के लिए इलेक्शन होता है एक हमारे स्टेट इलेक्शन होते हैं तो एक हम स्टेट रिप्रेजेंटेटिव देते हैं एक हम ऐसा रिप्रेजेंटेटिव देते हैं जो नेशनल लेवल पे सेंट्रल लेवल पे जाके हमारा रिप्रेजेंटेटिव जाके बैठता है वो सेंट्रल लॉज बनाने के प्रोसेस में हेल्प करते हैं और ये क्या करते हैं ये स्टेट लॉज बनाने के प्रोसेस में हेल्प करते हैं तो हमारे पास वहां पे है और उनके इलेक्ट किए हुए फर्दर राज्यसभा में लोग बैठे होते हैं तो हमारे पास दो हाउसेस हो जाते हैं राज्यसभा और लोकसभा राइट एक को हम बोलते हैं हाउस ऑफ स्टेट्स एक को हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल तो हाउस ऑफ पीपल हमारे लोकसभा हमने इलेक्ट किया वो जाके वहां पे बैठ गए है ना अब वो लोग क्या कर रहे हैं वो लोग प्रपोज कर रहे हैं ये नियम बनाना चाहिए भाई यहाँ के लोगों के हित के लिए ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए वो लोग प्रपोज कर रहे हैं पास कर रहे हैं और लग गया और हमें मानना पड़ेगा मैम हमें तो पसंद नहीं है भाई नहीं पसंद है पर मेजॉरिटी मेजॉरिटी से काम चलता है ना और अगर हमें एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहना है पीसफुली रहना है तो भाई नियमों का तो पालन करना पड़ेगा और जो नियम का पालन नहीं करता है जो लॉ का पालन नहीं करता है जो उसका उल्लंघन करता है उसको भाई सजा भी देनी पड़ेगी क्योंकि अगर सजा नहीं देंगे तो लोग इसको सीरियसली नहीं लेंगे है ना तो ये दोनों चीज़ें बहुत जरूरी हैं इमेजिन करो आज से चार साल पहले की बात करते हैं ठीक है सड़क पे चल रहे हैं चार सौ साल बहुत ज्यादा हो होगा ना थोड़े से पहले की बात करते हैं या आज की ही आप हाँ बात कर लो हम सारे मोटर व्हीकल आ किए वो सब हटा देते हैं ठीक है थीके? तो हम रोड पे चल रहे हैं कोई ट्राफिक सिग्नल्स नहीं कोई इधर से आ रहा है 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 अभी टेक्नोलॉजी इतनी हाई तो हुई नहीं है कि आप गाड़ियां उड़ा के इधर उधर ले जाओगे और अगर उड़ाने लग जाओगे तो फिर एयर ट्राफिक की प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिलहाल क्या हो रहा है इधर से आए इधर से आए उधर से आए उधर से एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होगा अब इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा जो इधर से आ रहा था वो या जो इधर से आ रहा था वो हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते नुकसान किसका हुआ भाई देश के लोगों का हुआ क्यूं? क्यों क्योंकि कोई नियम नहीं बना रखे हैं हमने है ना अब जब नियम बनेगा तो हो सकता है इसको पसंद आए इसको ना पसंद आए हर घर में चार लोग रहते हैं चारों के ओपिनियन अलग होते हैं तो यहाँ पे तो कितने लोग हैं है ना तो सबके ओपिनियन अलग होंगे पर मेजोरिटी जिस चीज को मान लेती है एक्सेप्ट कर लेती है पास कर देती है वो हर एक इंसान के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है तो भाई लॉ बनाना जरूरी होता है ना एंड द मदर ऑफ इन्वेंशन जहां जरूरत लगी वहां से क्या हुआ बना लॉ तो कंपनी लॉ जब हम बात कर रहे हैं इस कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहे हैं। तो भाई यहां पे भी कुछ जरूरत लगी होगी तभी ये बना है लॉ का मतलब क्या है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस रूल्स रेगुलेशंस ये देखो रूल्स रेगुलेशन सर्कुलर एक्ट नोटिफिकेशन ऑर्डिनेंस बहुत सारी चीजें आती है लॉ मतलब सब चीज आ गई ठीक है अभी रूल्स और रेगुलेशन में और एक्ट में इन सब में क्या डिफरेंस होता है वो भी स्लोली एंड ग्रेजुअली विल गेट टू नो एवरीथिंग ठीक है बट लॉ एक बहुत वाइड टर्म हो गया ठीक है सो सिस्टम और सेट ऑफ रूल्स क्रिएटेड एंड एनफोर्स्ड एनफोर्ड थ्रू गवर्नमेंट हाई ये क्या बोल दिया मैम आपने मोदी जी ये लेके आए हैं ऐसा अक्सर हम अपने मन में बिठा के रखते हैं क्या मोदी जी एक्चुअली लॉ बना रहे हैं नहीं वो लॉ को पास करवा पा रहे हैं जो वो चाह रहे हैं क्यूं? क्यों क्योंकि मेजोरिटी में रिप्रेजेंटेटिव उनकी पार्टी के बैठे हैं ही इज नॉट द लॉ मेकिंग अथॉरिटी और द सेंट्रल गवर्नमेंट रूलिंग और द रूलिंग गवर्नमेंट इज नॉट द लॉ मेकिंग अथॉरिटी मैम इस देश में लॉ बनाने की पावर किसको दी गई है सबसे बड़ा हमारा संविधान है सबसे बड़ा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 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 ना? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि लोगों के पास है पावर और लोगों ने क्या किया है लोगों ने इलेक्ट करे हैं रिप्रेजेंटेटिव्स और उनको क्या दी गई है लॉ मेकिंग पावर दी गई है मतलब पूरे देश पे अप्लाई होने वाले जो लॉज बनेंगे जिनको हम सेंट्रल एक्ट बोलते हैं क्यों बोलते हैं बिकॉज द पावर टू मेक लॉज बीन कंफर्ड टू पार्लियामेंट और पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट तो ये तीन लोग मिलकर क्या कर रहे हैं सेंट्रल एक्ट बना रहे हैं एक्ट सेंट्रल एक्ट बना रहे हैं ठीक है एक्ट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ओनली तो कुछ रूल्स वो रूल बुक है हमारी एक्ट जो प्रॉपरली डिवाइड की जाती है चैप्टर्स में सेक्शंस होते हैं सब सेक्शन होते हैं क्लॉजेस होते हैं सब क्लॉजेस होते हैं ठीक है थीके? बहुत सारे एक्सप्लेनेशन होते हैं तो ये सारी चीजें हमारी एक्ट में होती हैं ठीक है थीके? तो एक रूल बुक है फॉर एवरी पर्टिकुलर थिंग दैट इज नीडेड तो जिस भी चीज की जरूरत लगती है उस चीज का क्या होता है नया एक्ट बन दी जाती है और ये सेंट्रल एक्ट है मतलब पूरे देश पे लगने वाला जो कानून है वो पार्लियामेंट बना रहा है किसी स्टेट पे लगने वाला कानून कौन बताता है तो वहां पे हमारे पास क्या होता है भाई लेजिस्लेटिव uh, असेंबली है गवर्नर है जैसे वहां पे हमारे पास प्रेसिडेंट है स्टेट में हमारे पास गवर्नर है ठीक है बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द स्टेट लॉस आई एम नॉट गेटिंग इन टू दैट ठीक है सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ लॉ यू नो दैट इज इट डिफरेंट फ्रॉम एक्ट एंड अफकोर्स इट इज डिफरेंट लॉ इज अ मच वाइडर टर्म हु मेक्स एक्ट एंड लॉ ज पावर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ मैटर्स हैं जिनके ऊपर पार्लियामेंट जो यूनियन लिस्ट में फॉल करते हैं जिनके ऊपर पार्लियामेंट बनाता है स्टेट लिस्ट में जो फॉल करते हैं स्टेट लेजिस्ल कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों अगर हम लॉ को कम्प्लाई नहीं करते हैं तो भाई हमारे इम्प्रिजनमेंट पेनाल्टी और डैमेज पे करना किसी को अगर हमारी वजह से नुकसान हुआ तो वो सारी चीजें भी होती है तो सिविल और क्रिमिनल दोनों लाइबिलिटी अट्रैक्ट होती है फॉर नॉन कम्प्लायंस ऑफ लॉ राइट इतनी चीज क्लियर है दिस जस्ट द रिकी कॉल अगर आपने लॉ स्टार्टिंग में पढ़ा है तो ये चीजें जरूर आपको पता होंगी बट एक बार हमने क्विक रिकॉल किया है वाई एम आई सींग क्विक रिकॉल अगर कॉन्स्टिट्यूशन और इन सब की हम बात करें तो वी हैव अपरेट चैप्टर तो हम उसको एग्जाम ओरिएटेड अप्रोच से पढ़ेंगे कि क्या हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या नहीं पूछा जा सकता है दिस इज नॉट समथिंग विच इज गस्ड इन योर एग्जामिनेशन एट ऑल ठीक है बट लॉ शुरू करने से पहले थोड़े बेसिक्स तो होने चाहिए है न चलो ठीक है मैम एक्ट एक कैसे पास होती है बच्चा बच्चा जानता है जो लॉ पढ़ रहा है मैम पहले एक बिल होता है जाता है लोकसभा में एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इट गोज फर्स्टली इन लोकसभा कोई भी हाउस में जा सकता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं हमारे कुछ स्पेसिफिक बिल्स होते हैं जिनको आपको पहले लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करना है बट यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है ठीक है फॉर आर लेवल हाँ ठीक है अभी ये सब चीजें चलेगी तो एक बिल होता है उसको हम न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं पहले सजेशन के लिए उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं लोकसभा में पास होता है स्टैंडिंग कमिटीज वगैरह बनती है उनको रेफर किया जाता है डिस्कशंस होते हैं वो सजेशंस देते हैं वापस उन सजेशन को इनकॉर्पोरेट करके फिर से इंट्रोड्यूस किया जाता है दोनों हाउसेज में उनको अप्रूवल मिल जाता है देन इट गोज टू द प्रेसिडेंट हीज समी नो ओके बिकॉज वी आर बिगिनिंग विथ कॉर्पोरेट लॉ ट लॉ आज हम शुरू कर रहे हैं जो कि 40 परसेंट वेटेज कवर करता है आपके एग्जाम का सिर्फ एक ही चीज हमें उसमें पढ़नी है कॉरपोरेट लॉ में बहुत सारी चीजें आती हैं बट हमें क्या पढ़ना है कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन पार्लियामेंट को पावर मिली यूनियन लिस्ट की एंट्री नाइनटी सेवन दट इज द रेसिड्यूल एंट्री वहां से पावर मिली कि पार्लियामेंट आप कंपनी के ऊपर लगने वाला कानून बना सकते हो तो पार्लियामेंट ने इस पावर को यूज करके एक सेंट्रल एक्ट बनाई विच इज कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड पहले टू थाउजेंड एट में इंट्रोड्यूस हुई बहुत सारे रिजेक्शन्स मिले फाइनली ट्वेंटी नाइन्थ ऑगस्ट को इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी एंड इट बिकेम कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन इट वॉज फॉर्म टू रेगुलेट कंपनी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए यह एक्ट गई ठीक है अब सवाल यह उठता है कि मैम कंपनी क्या है जब हम बोलते हैं बिजनेस लॉ बिजनेस अगर आपको करना है तो आपको यह सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे दैट इज बिजनेस लॉ इंडस्ट्रियल लॉ अगर आप किसी इंडस्ट्री में फॉल करते हो फैक्ट्री वगैरह ये सब जो भी है उन चीज़ों पे एप्लीकेबल है तो आपको ये लॉ फॉलो करने पड़ेंगे जैसे आपने 50 लेबर एम्प्लॉय कर रखे हैं आप लेबर को एक्सप्लॉयड कर रहे हो आप नहीं कर सकते सरकार आपको पनिशमेंट देगी क्यों क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में फॉल करते हो आपके ऊपर ये इंडस्ट्रियल लॉ अप्लाई हो जाता है और आपको मानना पड़ेगा ठीक है ना अगर आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हो तो आपके ऊपर लॉ अप्लाई हो रहा है अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो तो आपके ऊपर लॉ अप्लाई हो रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो एक ऐसा लॉ है जो हर सेकंड अप्लाई होता रहता है ना तो बहुत कॉमन बहुत प्रेवलेंट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट हम गुड्स खरीदने गए तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो अगर आप सेलर हो तो आपके ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी अप्लाई हो रहा है ठीक है तो ऐसे अलग अलग हमारे नियम कानून बने हैं तो अगर हम कंपनी बना रहे हैं अगर हम कंपनी चला रहे हैं तो हमारे ऊपर क्या लगेगा कंपनीज एक्ट तो कंपनी लॉ क्या है या कॉरपोरेट लॉ क्या है इफ यू आर रनिंग कॉरपोरेट इफ यू आर डीलिंग विद विदोरेट तो आपके ऊपर ये लॉ लग रहा है ठीक है तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए और आप इसके हिसाब से ही काम करेंगे नहीं करेंगे तो क्या होगा पनिशमेंट सिविल लाइबिलिटी क्रिमिनल लाइबिलिटी अलग अलग पनिशमेंट जो लिखी होगी वो आपके ऊपर क्या हो जाएगी अट्रैक्ट हो जाएगी फर्स्ट प्लेस डू वी मीन बाय कंपनी कंपनी का आखिर मतलब क्या होता है कंपनी से पहले लेट मी शो यू अ वीडियो सारी उम्र खेलता रहेगा या कोई काम भी करेगा बहुत हुआ अपमान आप करूंगा माई काम सो फर्स्ट ऑप्शन बनी ने क्या किया उसने स्टार्ट किया एक प्रोपराइटरशिप बिजनेस एक लाख रुपए लगाए उसके बाद उसने लोन लिया बैंक से पांच लाख रुपए का हाँ अब देखो पैसा एक ही लाख लगाया था पर बैंक से लोन लिया और पैसा डूब गया तो पांच लाख बैंक को तो देना ही पड़ेगा घर द्वार से निकाल के देगा नाउपनिंग बिकॉज प्रोप्राइटरशिप इज नॉट सक्सेशन क्या हो रहा है बनी डे हुई बिजनेस भी चला गया सेकेंड ऑप्शन क्या आप पार्टनरशिप स्टार्ट करो हनी के साथ पार्टनरशिप स्टार्ट की लोन अगेन लॉस अगेन लाइबिलिटी अगेन बिकॉज अगेन पार्टनरशिप इज ऑल्सो कोई रास्ता दिखाई सी ए साहब सारी उम्र खेलता चल तो बनी आया है हमारे पास राइट right? दुखी है तो हम उसको क्या एडवाइस करने वाले कि भाई तू एक काम कर तू बना कंपनी राइट right. बिजनेस करना है बिजनेस करने के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है <coughs> हम बिजनेस कर सकते हैं एक प्रोप्राइटरशिप जैसे हमें लगता है ना सुबह सुबह सा लगा के ऐसे छोटी सी दुकान खोलते हैं दिया बत्ती करते हैं और फिर बिक्री शुरू करते हैं हमें लगता है कि छोटी सी दुकान खोलिए खोलिएोप्राइटरशिप बिजनेस है बिजने नीचे नोट बड़े छापे होते हैं राइट right? तो कमाते बहुत है प्रोप्राइटरशिप भी ऐसा नहीं है छोटी छोटी प्रोप्राइटरशिप आर डूइंग वांडर्स बट डिसएडवांटेजेस भी हैं पार्टनरशिप्स हमारे प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स तो बड़ी भी होती है अलाउड भी होती है और पार्टनरशिप्स ही अलाउड है कंपनी बना के हम अपना प्रोफेशनल वाला काम नहीं कर सकते हैं ठीक है थीके? अभी उस पर हम बहुत बाद में आएंगे फिलहाल धीरे 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 सीढ़ी बढनी चढ़नी हमें तो इसमें होता क्या है कंपनी अगर आपने बनाई है तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हो जाते हैं कैसे एडवांटेजेस मैम के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो कंपनी के एडवांटेजेस हो जाते हैं प्रोप्राइटरशिप में क्या था अनलिमिटेड <coughs> भाई सबसे बड़ा दुख <coughs> पैसा आप चार चालीस रुपए लगाओ ऐसा नहीं है कि हमने चालीस लगा दिया ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ये चालीस हमें वापस नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होता है ऐसा कंपनी के केस में हो सकता है ठीक है बट यहां पे क्या होता है यू आर लाइबल अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब अगर आपने किसी से उधार लिया क्रेडिटर को आपने पेमेंट नहीं किया पे, बिजनेस में पैसा सारा ठप हो गया माल जल गया कुछ भी हो गया तो क्या होगा क्रेडिटर तो खड़ा हो जाएगा भाई मेरी तो पेमेंट दो अब आपके पास जो घर है आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं दे आर बी अटैच्ड राइट आपके पास लिमिटेड कैपिटल होता है पैसे नहीं होते हैं यार किसी से पैसे जा, मांगने जाओगे तो वो आपको लोन ही देगा ना उधार ही देगा वो आपका भागीदार थोड़ी ना बन रहा है और अगर भागीदार बन रहा है तो वो पार्टनरशिप बन गई पार्टनरशिप में भी सेम तरीके की प्रॉब्लम होती है है वही लोग पैसे दे पाएंगे ना कंपनी के केस में क्या होता कैपिटल का कोई लिमिट ही नहीं है आप जनता के पास जाओ ना वो था ना हम पब्लिक के पास जाएंगे और पब्लिक से दस रुपए भुगेंगे और बोलेंगे कंपनी के आप मालिक बन जाओ तो वी हैव इमेंस वेज ऑफ रेजिंग कैपिटल विच वी रीड लेटर है ना तो कंपनी के केस में ये भी डिस, ये भी एडवांटेज होता है राइट <coughs> फिर हमारा वो बनी की डेथ हो गई तो क्या हो गया पूरा का पूरा बिजनेस खत्म पार्टनरशिप खत्म हुई हो जाती है पार्टनरशिप दोबारा आपको बनानी पड़ेगी भला ही आप सेम कंटिन्यू करो। के के केस में ऐसा नहीं होता है रिलायंस इंडस्ट्रीज कोई भी आप कंपनी उठा के देखो कंपनी एज इट इज चल रही है कुछ लोग आए कुछ लोग चले गए आएंगे चले जाएंगे आएंगे चले जाएंगे कंपनी एज इट इज अपनी चलती रहेगी है ना तो क्यों क्यों ऐसा होता है बिकॉज परपैचुअल सक्सेशन है है ना हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी है अभी हम इस पॉइंट्स पे आएंगे थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ेंगे बिकॉज ये बेस है तो बनाना जरूरी है हमारे लिए एक और कंसेप्ट है हमारे पास सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कि कंपनी होती है पर कंपनी होती क्या है मैम देखो कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी इट यूज टू बी अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैड देयर मील्स टूगेदर एंड नाउ इट इज अ ग्रुप ऑफ वॉलंट्री पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग फॉर देर मील्स टुगेदर हम अपने ब्रेड बटर के लिए काम करते हैं ना हम क्यों काम करते हैं रोटी कपड़ा और मकान अपनी बेसिक नेसेसिटी के लिए हम काम करते हैं हम प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं हम अपनी लिविंग के लिए काम करते हैं तो जो लोग साथ में मिल के काम कर रहे हैं वो क्या है कंपनी है सो ग्रुप ऑफ वॉलंट्री एसोसिएशन आइडियली हमारा क्या हो जाता है कंपनी हो जाता है पर <coughs>

तो हमको कभी भी हम कुछ समझ नहीं पाएंगे तो छोटे छोटे चैप्टर्स में यूनिट्स में डिवाइडेड होता है वैसे ही एक एक्ट भी है इट इज ऑल रिलेटेड टू कंपनी पर उसको छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है प्रोविजन्स की कंपनी का ऑडिट कैसे होना चाहिए वी हैव अ सेपरेट चैप्टर कॉल दस ऑडिट एंड ऑडिटर्स कंपनी अपने प्रॉफिट्स को पे आउट करती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंट उससे रिलेटेड प्रोविजन्स एक अलग चैप्टर में तो इस तरीके से कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है उससे रिलेटेड चीज़ें एक अलग चैप्टर में तो ऐसे ट्वेंटी नाइन चैप्टर्स डिवाइडेड हैं सेवन शेड्यूल्स हैं शेड्यूल्स में हमारे पास कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं एक एक करके हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा नाउ आइडियली um, अगर मैं ये बोलूँ कंपनीज़ एक्ट हैज़ फोर सेवेंटी सेक्शंस तो ये गलत होगा यस कंपनीज एक्ट जब बनी थी तो फोर सेवेंटी सेक्शंस के साथ आई थी पर अब इसमें कुछ और सेक्शंस ऐड हुए हैं कुछ सेक्शंस डिलीट भी हुए हैं सो आई कैन से एडिशनल एमेंडेड सेक्शंस जो आए जैसे सेक्शन थ्री ए सेक्शन टेन ए ये सब ऐड हो गए एंड देर आर सेक्शंस हैव बीन डिलीटेड, राइट सो ओरिजिनली इट केम अप विद 470 सेक्शन नाउ अकॉर्डिंगली हैवन न्यूशन हैजॉट ऑफ रूल्स बाई हर चाप्टर में रूल्स है और रूल्स कौन बनाता है रूल्स बनाती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पास बच्चों तीन बॉडीज होती हैं नाउ व्हेन वी हैव रिथ सम बेसिक्स ऑफ लॉ मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात आपको और बता देती हूँ बिकॉज मैंने ये स्टार्ट किया था कि मोदी जी लॉ नहीं बनाते हैं लॉ हम खुद बना रहे हैं मतलब हम खुद इलेक्ट कर रहे हैं कुछ लोगों को जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ने मतलब हम ही ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हम ही ने उनको पावर दी है कि भाई आप हमारे बिहाफ पे लॉ बना सकते हो दैट मीन्स वी हैव अ लेजिस्लेटिव बॉडी टिव बॉडी विच इज एक्ट सेंट्रल जिसकी हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पेटिव बॉडी कौन होती है पार्लियामेंट होती है पार्लियामेंट का मतलब क्या है होप यू ऑल आर राइटिंग दिस प्लीज उसको लिख लेना पार्लियामेंट का मतलब क्या है पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ओके इनका काम क्या है इनका काम है मेकिंग लॉज मेकिंग ओके सो दे हैव द पावर टू मेक लॉ वो लॉ क्यों बनाते हैं जहां पे भी उनको लगता है कि जरूरत है यहाँ पे भाई कुछ तो नियम लगाना पड़ेगा नहीं तो ये लोग रायता फैला रहे हैं तो वहां पे वो क्या करते हैं नियम लगाते हैं ऑफ कोर्स नियम ऐसे ही एक सिंगल इंसान नहीं लगा सकता है सारे के सारे छोटे छोटे रीजन्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जहाँ बैठे हैं वहां पे बिल प्रपोज होता है और उसके बाद क्या होता है नेगोशिएशन्स होते हैं डिलिब्रेशन होते हैं मतलब डिस्कशंस हो रही हैं चीजें हो रही हैं कुछ बदला कुछ अमेंडमेंट आया ऐसा आया वैसा लास्ट में वो क्या

तो आरबीआई क्या करती है कुछ रेगुलेशन बनाती है तो आरबीआई को भी पावर दी हुई है कि भाई इस मैटर में आप रेगुलेशन बना सकते वो कहां से आई वो एक्ट बनाई हमने हमने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाई उसमें बहुत सारी आरबीआई को पावर दी कि आरबीआई तुम हाँ, तुम एक बॉडी हो जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूट किया तुमको ये पावर दी गई है बैंक के काम करने के लिए ठीक है तो वैसे ही जैसे सेबी है सेबी को बहुत सारी पावर्स दी गई हैं है ना तो हमारे पास एक्ट बनती है एक्ट में बॉडीज भी बनती हैं और बॉडीज को पावर भी दी जाती है कि आप ये काम कर सकते हो ठीक है वो कहां से पावर मिल रही है पावर मिल रही है वही एक्ट से ठीक है तो ये हो गए हमारे लेजिस्लेटिव बॉडी इसके बाद आती है हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी अरे भाई ये क्या कर रहे हैं ये होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट इनका काम क्या है इनका काम है देश को चलाना एंश्योर करना कि लॉ आप मान रहे हो ठीक है सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ अब आपने कंपनीज एक्ट तो बना दी आपने कंपनीज एक्ट में कहा कि यार नाम रिजर्व करना होगा पहले अगर कंपनी बनानी है आपको तो पहले एक नाम सोचो नाम को रिजर्व कराओ फिर ये एप्लीकेशन दो वो एप्लीकेशन दो अब सेंट्रल गवर्नमेंट एकदम तिलमिला गई उन्होंने कहा यार ये क्या एक्ट में लिख दी है इतनी सारी बातें ये आज के जमाने में नहीं चल रही है हम तो ने तो वो एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिजिकल करते थे हमने तो सारा ऑनलाइन कर दिया अब हमने फॉर्म का नाम बदल दिया अब हमने फॉर्म को रिवाइज कर दिया अब कैसे हम बार बार जाए और एक्ट में अमेंडमेंट कराएं जितना मुश्किल एक्ट लाना उतना ही उसमें अमेंडमेंट लाना क्योंकि अमेंडमेंट एक्ट भी पास होती है ऐसे ही प्रोसेस से तो बड़ा मुश्किल है यार आपने पता नहीं क्या क्या चीजें लिख दी तो पहले कंपनीज एक्ट जो 1956 होती थी ना उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी ठीक है अब इन्होंने क्या किया कंपनीज एक्ट में कम कर दिए हाँ, दिए रूल्स मतलब जो ग्राउंड लेवल रूल्स हो रहे हैं यार लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब पार्लियामेंट ने बनाया कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है बाय फाइलिंग फॉर्म एज प्रिस्क्राइब बस अब जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है ये कौन प्रिस्क्राइब कर रहा है ये पावर दी सीजी के पास मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट्स थ्रू इट्स डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है ना हर एक मिनिस्टर हर एक मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय अ मिनिस्टर है ना हमारे पास डिफेंस मिनिस्टर होता है होम मिनिस्टर होता है फाइनेंस मिनिस्टर होता है तो ऐसे ही हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है दैट इज आल्सो हेडेड बाय मिनिस्टर एंड ऑल द मिनिस्टर्स आर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है ना तो हमारे पास ऐसे एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है ठीक है ये मिनिस्ट्री क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाना है तो मतलब एम क्या करती है रूल्स बनाती है तो अब एक्ट में क्या लिखा एज प्रिस्क्राइब प्रिस्क्राइब्ड के लिए हम कहाँ जाएंगे हम देखेंगे भाई एम तूने क्या रूल बनाया है अब एम ने आज बोला कि फॉर्म फाइल करना रन और अपना नाम रिजर्व कर लेना थोड़े टाइम बाद उनको लगा नहीं नहीं यार ये रन फॉर्म से बेटर हम और कुछ कर सकते उन्होंने फॉर्म चेंज कर दिया क्या चेंज किया रूल्स चेंज किए खटाखट रूल्स चेंज करते जाओ करते जाओ करते जाओ द वर्ल्ड फेमस डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी सुनी है कि नहीं सुनी है सबने सुनी है है ना दो करोड़ बीस करोड़ चार करोड़ चालीस करोड़ है ना वो का लेवल का कंफ्यूजन चलता है वो कहाँ से आ रहा है यहीं से आ रहा है क्योंकि एक्ट <coughs> में बस इतना लिख दिया पावर टू प्रिस्क्राइब एन अमाउंट अप टू दिस अब सी जी उसमें खेले जा रहे हैं प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं पहले बोला दो और बीस फिर बोला चार और चालीस है ना तो वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं अमाउंट तो वो कैसे कर ले रहे हैं इतना जल्दी जल्दी क्योंकि उनको रूल्स ही बदलना है तो रूल्स चेंज करना आर इजी और ये एक्ट को बदलना है, है ये मुश्किल का काम है ठीक है तो एक्ट में उन्होंने कम चीजें लिखी और हर जगह लिख दिया एज प्रिस्क्राइब एज प्रिस्क्राइब एज प्रिस्क्राइब तो रूल्स पढ़ो रूल्स में चीजें है तो हर चैप्टर के साथ हमारे रेलिवेंट और एसोसिएटेड रूल्स भी हैं ठीक है तो ये हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है कंपनीज एक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग थ्रू एम ठीक है तो एम में फर्दर हम अथॉरिटीज के बारे में भी पढ़ेंगे है ना हमारे पास आर ओ सी होते हैं हमारे पास चलो अभी उसमें नहीं जाते हमारे पास एनसीएलटी होता है हमारे पास एनसीएलएटी होता है तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज भी हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं एंड देर आफ्टर ये स्मॉल कंपनी मत लिखना ठीक है बस ये ऐसे ही लिखना जो जितनी मैं ऐसे ऐसे गोल गोल कलाकारी कलाकारी कर दू ना प्लीज वो मत लिखना ठीक है और तीसरी हमारे पास होती है जुडिशरी ये क्या होते हैं हमारे कोर्ट्स ठीक है हमारे कोर्ट्स इसको भी मैं यहां से इरेज कर रही हूं क्योंकि अथॉरिटीज हम सेपरेटली पढ़ेंगे बिकॉज अगर हम एनसीएलटी और एनसीएलएटी की बात कर रहे हैं तो वो कही कहीं ना कहीं हमारी जुडिशियल बॉडी हो जाती है ठीक है तो वी विल डिस्कस दैट लेटर ठीक है तो हमारे पास ये तीन तरीके के बॉडीज होती हैं ना कमिंग बैक वापिस आते हैं तो ये बात समझ में आ गई आपको ओके okay. अच्छा अच्छा आई थिंक मैं आपको कुछ हाँ वो गलत खोल रखा था मैंने ना अब हमारी जो कंपनीज एक्ट 2013 है इट इज़ नोटिफाइड इन पार्ट इट वाज नोटिफाइड इन पार्ट सेक्शन वन थर्टी अगस्त 2023 से ही टू uh, से ही नोटिफाई हो गया था 98 एट सेक्शन्स नोटिफाई हुए थे ट्वेल्थ सितंबर को 183 एटी थ्री सेक्शंस एंड सो ऑन ये हमारे लिए याद करने वाली इंफॉर्मेशन नहीं है जो होगी वो मैं बताऊंगी कंपनीज एक्ट 1956 अब हट चुका है रिपील हो चुका है और नया कंपनीज एक्ट आ चुका है वैसे तो ये धीरे धीरे से हमारी जिंदगी का हिस्सा बना था बट अब आ चुका है एप्लीकेबिलिटी अभी हम थोड़े टाइम बात पढ़ेंगे कमिंग बैक वॉट इज कंपनी दैट इज क्लियर वाई अ कंपनी इज फॉर्म ऑफ कॉर्स बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ एडवांटेजेस ओवर अदर फॉर्म्स ये हमारी पर्सनल चॉइस होती है हम जो भी बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज करना चाहे वो कर सकते हैं कंपनी बनाना चाहो तो कब बना सकते हो भाई पहले भी कंपनी बन रही थी अभी भी बन रही है बाद में भी बनेगी है ना तो एक्ट शुरू होने के पहले भी बन रही थी बाद में भी बन रही क्योंकि पहले भी हमारे पास कंपनी लॉ था बस दूसरी एक्ट थी लगा यार पूरी बदल गई है तो अब क्या करेंगे अब तो जैसे आप लोगों के साथ ऐसा होता है ना भगवान ना करे ऐसा दिन आए पर मान लो ऐसा किसी दुश्मन मतलब जो ऐसा हो ना कि भाई लड़का या लड़की कोई पसंद नहीं है तो उसके साथ ऐसा सोच लो कि हो रहा है उसका रिजल्ट आया एग्जाम नहीं क्लियर हुआ ठीक है अब उसने बुक ले रखी थी ठीक है अब बुक में क्या हुए थोड़े अमेंडमेंट्स आए अमेंडमेंट्स आए हमने यहाँ काटा यहाँ काटा यहाँ काटा यहाँ काटा ठीक है लिख लिया मैनेज कर लिया अगली बार फिर नहीं हुआ फिर और कुछ अमेंडमेंट्स लिखे फिर नहीं हुआ फिर और कुछ अमेंडमेंट्स तो बुक रंगीन हो चुकी है अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अब आप क्या कर सकते हो मतलब अब वो क्या कर सकता है वो बुक बुक हटा दो एक नई ले लो है ना तो इसी तरीके से जब एक एक्ट होती है यहां बदलाओ यहां बदलाओ यहां बदलाओ यहां बदलाओ यहां बदलाओ ये भी बदला फिर ये बदला फिर ये बदला फिर ये बदला फिर लगा यार पूरा सेक्शन ही हटाना रहे अरे यार ये पूरा ही हटाना पड़ेगा तो ये एक्ट ही हट जाती है आज के समय के हिसाब से तुम नहीं हो हम एक नई एक्ट लेके आएंगे तो तब वो रिपील हो जाती है तो काफ़ी टाइम तक एमेंड होने के बाद क्या हो जाती है कभी कभी रिपील भी हो जाती है, है ना तो पहले हमारे पास जो एक्ट्स थी उनको हम बोलते हैं प्रीवियस कंपनी लॉ जैसे कंपनीज एक्ट 1956, 1913 है ना एंड सो ऑन और आज जो हमारे पास एक्ट है इन प्लेस इन पिक्चर वो क्या है कंपनीज एक्ट 2013 ठीक है आप कहीं पे भी कंपनी बनाइए इंडिया में अगर इंडिया के बाहर बना रहे हो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया फॉरन कंपनी तो वो कंसेप्ट ही अलग हो जाता है इंडिया में कंपनी हम बना रहे हैं रजिस्टर करा रहे हैं रजिस्टरिंग अथॉरिटी है आर ओ सी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उनके पास हम कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करके अपनी कंपनी रजिस्टर कराते हैं और फिर उस कंपनी के तहत हम बिजनेस करते हैं हम काम करते हैं इन द प्रोसीजर और इन द मैनर विच इज़ गिवन इन कंपनीज एक्ट तो भाई हमें बनानी कैसे है या चलानी कैसे है ये दोनों बातें हमें कहाँ मिलती हैं कंपनीज़ एक्ट में तो मैम क्या हमें अपने सिलेबस में पूरी कंपनीज पढ़नी है ना ना रुको दिखाती हूँ एक मिनट सो ये देखो ये क्या है हमारा पहला चैप्टर हमारी शुरुआत होने वाली है इंट्रोडक्शन एंड प्रिलिमिनरी वाई एम आई इनकॉर्पोरेटिंग और सेइंग प्रिलिमिनरी क्योंकि कंपनीज़ एक्ट के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है जो हमने बताया कि 29 चैप्टर्स हैं उसमें सेक्शंस हैं वो अलग है और हमारा जो इंस्टीट्यूट ने डिज़ाइन किया हुआ है कंपनीज एक्ट उसमें वन से 122 ट्वेंटी टू सेक्शन्स हैं कुछ कुछ नहीं भी हैं उसमें बीच में ठीक है तो वैसे करके एक साथ सिलेबस हमको दिया हुआ है तो आपके लिए दोनों स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है और उसके बाद ही हम कंपाइल करके उसको पढ़ सकते हैं राइट सो इफ़ आई ब्रीफ यू द सिलेबस ऑफ कारपोरेट लॉ हमारे क्या है? कुछ हैं कुछ कंपनीज एक्ट करके बातें हैं कुछ डायरेक्टर के रिलेटेड प्रोविजंस हैं कुछ हमारे पास ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल करके एक टॉपिक है इनफैक्ट ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल इतना सही है फिर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल करके है उसमें ये सारे सेक्शंस हैं मैंने ब्रॉड लिखा हुआ है फिर हमारे पास राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स करके एक टॉपिक है और एक के एम पी के एम पी जस्ट द डेफिनेशन वी हैव टू रीड अबाउट की मैनेजेरियल पर्सनल ठीक है तो ये ये चीजें हैं ये अलग अलग सेक्शन से कंपाइल किया हुआ है ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है ये कुछ सेक्शंस इस कंट्रोल वाले टॉपिक में है ये डायरेक्टर से रिलेटेड कुछ सेक्शंस हमें पढ़ने हैं एंड दिस इज द ब्रॉड ओवरव्यू जो एक से एक सौ बाईस सेक्शन तक है ऑफ कोर्स हम वही पार्ट पढ़ेंगे या वही रेलिवेंट रूल्स पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है बट फर्स्ट वी विल रीड समथिंग अबाउट कंपनीज बेसिक कंपनी क्या है कंपनी के फीचर्स विच यू हैव हैविच यू नो मच स्टिल ठीक है कॉर्पोरेट व्हील क्या होती है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील ऑल दैट पार्ट राइट देर आफ्टर वी विल बिगिन विद द मेन सेक्शंस एंड चैप्टर वन प्रिलिमिनरी तो हमने ये वाला पार्ट और जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है इन दोनों को क्लब करके पहला चैप्टर बनाया है इंट्रोडक्शन एंड प्रिलिमिनरी ओके एंड देर आफ्टर हमारा चैप्टर टू चैप्टर थ्री चैप्टर फोर चैप्टर फाइव एंड सो ऑन क्या है हमारे चैप्टर्स है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर तक हमको पढ़ना है इसके बाद हमारा डिविडेंड का चैप्टर आता है जो फिलहाल आपको नहीं पढ़ना है ओके सो आई होप यू आर क्लियर विद द ओवरव्यू एंड कुछ बेसिक आइडिया लग गया होगा इन द नेक्स्ट क्लास वी विल एक्चुअली कमेंस विद आवर कोर्स राइट थैंक यू